18 देखिए क्या कह रहा है कि टू स्कूल्स पी एंड क्यू वांट टू अवार्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन पॉलिटेनेस एंड पंक्चुअलिटी. द स्कूल पी वांट टू अवार्ड एक्स वाई जेड इच यानी कि एक्स रुपीज इच वाई रुपीज इच एंड जेड रुपीज इच फॉर थ्री रेस्पेक्टिवली वैल्यूज टू इट्स थ्री टू एंड वन स्टूडेंट विद द टोटल अवार्ड मनी इज 1000 रुपीज. स्कूल क्यू जो है वांट टू स्पेंड 1500 रुपीज टू अवार्ड इट्स फोर वन एंड थ्री स्टूडेंट ऑन द रेस्पेक्टिव वैल्यूज. क्या कह रहा है यहाँ पे कि बाई गिविंग द सेम अवार्ड्स मनी फॉर थ्री वैल्यूज एज बिफोर यानी कि पहले जो जिस वैल्यूज का अवार्ड दिया गया उसी वैल्यूज का स्कूल क्यों भी वही अवार्ड देता है. इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड्स ऑफ वन प्राइज ऑन इच वैल्यूज इज 600 रुपीज यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द अवार्ड्स मनी ऑफ इच वैल्यूज अपार्ट फ्रॉम द अबव थ्री वैल्यूज सजेस्ट वन मोर वैल्यूज फॉर अवार्ड्स. आप अपने से सजेस्ट कर सकते हैं इन अवार्ड्स के लिए वैल्यूज है ना, अलग से ये कह रहे ये सजेस्ट कर सकते हैं ठीक है. और हमें क्या करना है यहाँ पे अवार्ड्स मनी को हमें फाइंड करना है. तो हम लोग देख रहे हैं कि थ्री यहाँ पे टू स्कूल में थ्री टाइप के अवार्ड्स जिनका कॉस्ट है एक्स रुपीज वाई रुपीज एंड जेड रुपीज ये दिया जा रहा है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू स्कूल्स पी एंड क्यू वांट टू अवार्ड देयर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन पॉलिटनेस एंड पंक्चुअलिटी है ना. यहाँ पे दिया है कि इच अवार्ड वैल्यू एक्स वाई एंड जेड रुपीज ठीक है. हम लोग ऐसा यहाँ दिख देते हैं. तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर ले लेंगे 3x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल टू में कितना 1000 रुपीज. और फिर दूसरा आ जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले स्कूल से 4x प्लस का y प्लस का 3z इक्वल टू में 1500 रुपीज. और तीनों अवार्ड के एक एक अवार्ड का कॉस्ट जो है वह टोटल मिलाकर है 600 रुपीज. अब इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ चलिए ले लेते हैं लेट y ax इक्वल टू बी वाले फॉर्म से लेंगे. a इक्वल टू में क्या हो जाएगा a इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1 4 1 3 1 1 1 ठीक है. और यहाँ पे x का वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे वेरिएबल x y z वाला ठीक है. और फिर हम लोग b का वैल्यू यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे इन कॉन्स्टेंट वाला 1000 1500 और 600 ठीक है. अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं. डिटरमिनेंट वैल्यू पहले इसका निकाल के R1 के अकॉर्डिंग चलते 3 लेते हैं. ये रहो ये कॉलम है हटाएंगे 1 1 1 1 3 1 1 आ जाएगा 1 3 1 1 आ जाएगा. फिर -2 ये रहो ये कॉलम हटाएंगे आएगा यहाँ 4 3 1 1 फिर प्लस का 1 यहाँ पर ये रहो ये कॉलम हटाएंगे आ जाएगा 4 1 1 1. चलिए अब इसको देखते हैं 3 में 1 -3 -2 इंटू में 4 -3 +1 इंटू में 4 -1 यानी 3 में -2 -2 इंटू में 1 फिर 1 इंटू में 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर -6 -2 +3 यानी -5 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है. अब इसके बाद देखिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ निकाल के फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे. ये पॉजिटिव होता है ये रहो ये कॉलम हटेगा इन चारों का डिटरमिनेंट लो 1 -3 यानी -2 C12 निगेटिव होता है ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चार का डिटरमिनेंट 4 -3 -1 आ जाएगा.
C13 आपका पॉजिटिव होता है, ये रहा कलर इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 4-1 3 आ जाएगा। C21 ये आपका नेगेटिव होता है, ये रहा ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटरमिनेंट, तो 2-1 यानी 1 माइनस का आ जाएगा। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये रहा ये कॉलम हटेंगे कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटरमिनेंट, तो 3-1 2 आ जाएगा। C23 आपका निगेटिव होता है, ये रहा ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटरमिनेंट बताओ, तो 3-2 यहाँ -1 आ जाएगा। C31 ये पॉजिटिव होता है, ये रहा ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटरमिनेंट बताओ, तो 6-1 5 आ जाएगा। C32 आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, तो 9-4 यानी -5 आ जाएगा। C33 ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, तो 3-8 -5 हो जाएगा, 3-8 -5 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन सभी को फैक्टर से जाकर इसका ट्रांसपोज निकाल दिया जाएगा। ठीक है, -2 -1 3 -1 2 -1 5 -5 -5 का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2 -1 3 -1 2 -1 5 -5 -5 ये आपका ए का इन्वर्स आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ए का इन्वर्स निकालते हैं, तो 1/determinant of A (adjoint of A) तो 1/determinant of A -5 है और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे ये है -2 -1 5 -1 2 -5 3 -1 -5। ठीक है, चलिए तो हम लोग ए का इन्वर्स यहाँ पे निकाल दिया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू में क्या हो जाता है, x इक्वल टू में होता है a इन्वर्स b। तो अब इसके बाद देखिए x का वैल्यू आपको पता ही है, कॉलम मैट्रिक्स था वेरिएबल x y z वाला, a का इन्वर्स यहाँ पे है -1/5 और इन टू में -2 -1 5 -1 2 -5 3 -1 -5। और b का वैल्यू हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर कॉन्स्टेंट बता, ये 1000 1500 और 600। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 1500 और 600। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से x y z यहाँ देखिए -1/5 और इनटू करते हैं पहले फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ आएगा माइनस का 2000 और फिर माइनस का 1500 और फिर प्लस का आ जाएगा 3000, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो माइनस का 1000 प्लस का 3000 और फिर माइनस का कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, चलिए थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 3000 माइनस का 1500 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 3000। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं x y z, यहाँ देखिए माइनस का 1/5 अंदर देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका कितना माइनस का 500 और ये आपका माइनस का 1000 और ये माइनस का 1500 हो जाएगा। अब -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x y z इसका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ 100 200 300। Therefore, x का वैल्यू आ गया 100, y का वैल्यू हो गया 200 और z का वैल्यू हो जाएगा 300। समझे, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपके प्राइस अमाउंट हो जाएंगे, यानी कि पहला x जो प्राइस है, x रुपीस वाला प्राइस जो है वो 100 रुपीस का हो जाएगा, ये 200 रुपीस और ये 300 रुपीस का प्राइस है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इच प्राइजेस या अवार्ड ने लिखे हैं अवार्ड्स, क्या हो जाएगा 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ एंड 300 रुपीज़, ये कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इच टाइप ऑफ अवार्ड्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो एक काम करते हैं हम लोग,